आज दिल्ली में क्या परिस्थिति है? पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए हैं, उसके पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस आए थे। तो पिछले 3-4 रोज दिन से रोज हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, संक्रमण दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25,000 अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है, आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग खत्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था, 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, कल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है, उनसे बातचीत चल रही है। परसों रात को एक हादसा होते होते बचा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि परसों रात को 3 बजे के करीब उनके अस्पताल की ऑक्सीजन लगभग ख़त्म हो गई। वो बोले, जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इधर उधर हाथ पैर मार के किसी तरह से उन्होंने कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दवाइयों की कमी हो रही है, रेमडेसिविर दवाई की खासकर काफ़ी कमी हो रही है। ये सारे तथ्य मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए, ये सारी परिस्थिति है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है, इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपको ये परिस्थिति बताई है। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की परिस्थिति काफ़ी गंभीर है। अभी तक हमने दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। दिल्ली में चौथी वेव आई है, पहली वेव पिछले साल जून में आई थी जिसमें 4,500 के करीब केस आए थे। दूसरी वेव आई फिर सितंबर में, फिर तीसरी वेव आई जिसमें 8,500 के करीब केस आए थे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं, बड़े बड़े देशों के, विकसित देशों के शहर, जहां 6,000 केस आए तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया, कोलैप्स कर गया। दिल्ली में 8,500 केस आए पिछली बार तीसरी वेव में, तब भी हमारा सिस्टम कोलैप्स नहीं किया, उल्टे हमने और ज़्यादा अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आज 25,000 केस आए हैं, अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है। हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा तनाव में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कोलैप्स किया है, लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा तनाव में है। किसी भी हेल्थ सिस्टम की अपनी सीमाएं होती हैं, अनगिनत पेशेंट्स तो कोई भी सिस्टम नहीं ले सकता ना, किसी भी सिस्टम की अपनी सीमाएं हैं। पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, खूब नए हॉस्पिटल खोले हैं, मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक बनाए हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है। यही कारण है कि आज 25,000 केस के ऊपर भी दिल्ली का सिस्टम चल रहा है। लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो ये सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, और अगर हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी त्रासदी ना हो जाए। जैसे मैंने बताया कि कल एक अस्पताल में ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और बहुत बड़ी त्रासदी होते होते बची। मैंने वीडियोस देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं, आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां कॉरिडोर में पेशेंट्स पड़े हुए हैं, सड़कों के ऊपर लोग दम तोड़ रहे हैं। अभी तक हमने दिल्ली को उस किस्म की त्रासदी से बचाया है, वैसा नहीं होने दिया। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई, और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है।